ऑस्टियोपोरोसिस का लिटरल मीनिंग होता है हड्डी अंदर से खोखली हो जाना, मतलब हड्डी का टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा फीमेल में देखा जाता है, पर्टिकुलरली 45-50 साल के पोस्ट मेनोपोजल फीमेल में, क्योंकि इनमें हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मेल में भी देखा जाता है, लेकिन 55-60 की एज के बाद, जब भी हड्डी वीक रहती है। तीसरा, अगर किसी को लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कैंसर ड्रग चल रही है, तो भी हड्डियां वीक होने के चांसेस रहता है। कई मरीज जिनको बहुत टाइम से किडनी या लिवर की डिजीज है, तो भी विटामिन D3 और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिरेंज रहता है, इनमें भी हड्डियां वीक रहती है। और अगर किसी की लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी है, बैठने वाला जीवन है, या फिर लंबे टाइम से स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट है, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कोई भी सिम्टम होते नहीं है, इसे एक साइलेंट डिजीज कहा गया है, क्योंकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या आपकी हड्डियां वीक है, इसकी शंका तभी जाती है जब भी आपको छोटी सी चोट लगी और आपके रिस्ट में, रीढ़ की हड्डी में, या फिर आपके हिप बोन में फ्रैक्चर हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन में अगर आपकी वैल्यू -2.5 से कम आई है, मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर आपकी वैल्यू -3.5 से कम है, तो आप हाई फ्रैक्चर रिस्क के जोन में है और आपको इसकी ट्रीटमेंट अर्जेंटली करानी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको रोज सुबह 25 से 30 मिनट सनलाइट में एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी हड्डियां भी स्ट्रांग होगी और विटामिन D3 का सिंथेसिस भी बढ़ेगा। अगर आपको स्मोकिंग अल्कोहल की हैबिट है, तो आपको डेफिनेटली इससे दूर रहना चाहिए। आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है, वो 50 साल की एज के बाद अराउंड 500 मिलीग्राम पर डे हो जाती है, तो फिर आपको कैल्शियम के टेबलेट्स 2 से 3 महीना लेनी चाहिए। और उसके बाद में कैल्शियम रिच फूड, मतलब कि दूध, सोया से बनी हुई कोई भी चीज, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, इन सब पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर आप पोस्ट मेनोपोजल फीमेल है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपको आपके गायनेक से संपर्क करना चाहिए और वो शायद आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपका विटामिन D3 लेवल ईयरली एक बार 50 साल की एज के बाद चेक कराना चाहिए। अगर विटामिन D3 लेवल कम है, तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की टेबलेट्स हफ्ते में एक बार स्टार्ट करनी चाहिए, 2.5 से 3 महीने के लिए, आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में बिस्फोस्फोनेट जो टेबलेट आती है, या फिर कैल्सिटोनिन नेजल स्प्रे आता है, पेरीपेराटाइड इंजेक्शन है, या डेनोजुमैब इंजेक्शन है। टेबलेट्स जो है, वो हफ्ते में, 15 दिन में, या फिर महीने में एक बार ली जाती है। इंजेक्शन जो है, वो डेली लेने होते हैं, जो टेरिपेराटाइड इंजेक्शन है, 3 से 6 महीने के लिए। बॉलपेन जैसा इंजेक्शन आता है, बहुत ही इजी है और ले सकते हैं आप डेली। डेनोजुमैब जो इंजेक्शन है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन 6 महीने या 1 साल में एक ही बार लेना होता है। कैल्सिटोनिन जो है, वो एक तरह का स्प्रे है, छोटी सी बॉटल आती है और वो नाक में स्प्रे करना होता है। ये चारों जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, वो आपको आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि मैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवाय भी आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आपकी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।